एशिया कप 2023 का पहला एनकाउंटर भारत बनाम पाकिस्तान, उस मुकाबले के अंदर भाई एक बार फिर से शाहीन अफरीदी के हाथ में गेंद थी, और जब जब शाहीन अफरीदी के हाथ में गेंद होती है तो भाई भारतीय टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाता है। इस बार भी हमें यही देखने को मिला, भारतीय टीम का भाई लड़खड़ाता हुआ टॉप ऑर्डर नजर आया, और नसीम शाह यहाँ पर शाहीन अफरीदी का पूरा पूरा भाई जुनून था, और 3 विकेट शाहीन अफरीदी ने पूरे टॉप ऑर्डर के निकाल दिए। उसके बाद लेकिन जब दूसरी बार यहाँ पर भिड़ंत हुई भारत पाकिस्तान के सुपर फोर वाले एनकाउंटर के अंदर, 10 सितंबर को यह मुकाबला हुआ, इसके अंदर भाई उम्मीद थी कि एक बार फिर से क्या हम शाहीन अफरीदी को खेल पाएंगे, तो भाई जैसे ही शाहीन अफरीदी के हाथ में गेंद आई नतीजा थोड़ा सा उल्टा हुआ। नतीजा कुछ ऐसा हुआ भाई, एकदम कमांडिंग पोजीशन में आए थे भाई रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा शुभमन गिल ने पूरा भाई अटैक किया शाहीन अफरीदी की ओर ऊपर। उसके बाद जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए तो भाई विराट कोहली ने भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। विराट कोहली भाई लगातार चौके छक्के मारते रहे। केएल राहुल ने भाई बहुत शानदार बैटिंग करी शाहीन अफरीदी को। नतीजा भाई 10 ओवर के स्पेल के अंदर 70 रन से ऊपर खर्चे और विकेट मिला सिर्फ 1। तो भाई ऐसा क्यों हुआ, कौन सी ऐसी बड़ी वजह थी कि भाई शाहीन अफरीदी को एकदम धाराशाही कर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने, जो एक समय तक अनप्लेएबल होता था उसको भाई एकदम नस्ते नबूत कर दिया और एकदम घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने। तो भाई इसके पीछे की बड़ी वजह मानी जा रही है नुवान सेनेविरत्ने। अब ये नुवान सेनेविरत्ने कौन है, आप सब थोड़े से चौंकेंगे कि भाई ये भारतीय टीम का थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट है। इसका जो लेफ्ट आर्म एंगल क्रिएट होता है उससे इसको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और विराट कोहली ने सिफारिश की थी कि इसके खिलाफ भाई टीम इंडिया को खूब ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए, और ये अब से नहीं जुड़े भारतीय टीम के साथ, ये काफी लंबे समय से 2018 जुड़े हैं भारतीय टीम के साथ। 2018 एशिया कप ही वो टूर्नामेंट था जब नुवान सेनेविरत्ने को टीम के साथ जोड़ा गया था, और तब से लेकर अब तक भारतीय टीम के भाई हर एक मुश्किल मौकों पर नुवान अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो एक बार फिर से भाई इन्होंने ही प्रैक्टिस करवाई थी विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को, ये श्रीलंका से ताल्लुकात रखते हैं, और एकदम से स्पेशल कॉल पे 2018 में इनको बुलाया गया था। उससे पहले श्रीलंका क्रिकेट के साथ भी जुड़े हुए थे, श्रीलंका क्रिकेट के साथ इनका लंबा कॉन्ट्रैक्ट था, और भाई पिंक बॉल टेस्ट हो चाहे कोई भी मुकाबला हो उससे पहले नुवान सेनेविरत्ने ये जो भी है ये भाई टीम इंडिया को प्रैक्टिस करवाते हैं। और इससे पहले इनका जो सफर था वो थोड़ा सा भाई डिसअपॉइंटिंग था, यानी कि जो काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था इनका सफर यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये पहले बस ड्राइवर थे, स्कूल की बसें चलाते थे, और उसके बाद से इन्होंने भाई अपना करियर बदला, श्रीलंका क्रिकेट के साथ जुड़े, अपने जुनून को फॉलो किया, और आज टीम इंडिया को पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी से बाहर लगाने के अंदर नुवान का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनके थ्रोडाउन से कहीं ना कहीं जो एंगल क्रिएट होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है शाहीन अफरीदी से। तो भाई यही गुहार थी विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, कि भाई आप बहुत सारी गेंदबाजी करवाइए हमें ताकि हम तैयार हो पाए इस बड़े बैटल के लिए। और भाई नतीजा हमारे सामने बिल्कुल एकदम साफ था कि भाई पूरा पूरा डोमिनेट करा टीम इंडिया ने शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह को, हारिस रौफ 5 ओवर करे, लेकिन उसके अंदर भी खूब ज्यादा डोमिनेट करा। अगर 5 ओवर और बच भी जाते, अगर गेंदबाजी कर भी रहे होते तो कोई भी कुछ बदलाव नहीं होता, मोमेंटम पूरा टीम इंडिया के पास था, और टीम इंडिया भाई एकदम से एकदम कंट्रीब्यूट करती है और बड़ा से बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करती है। फिलहाल इस वीडियो